तो चलिए आज की पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्रुव राठी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? तो दरअसल हाल ही में ध्रुव राठी ने योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दिया था, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखिए पूरा वीडियो। 18 नवंबर को दोस्तों मैंने वीडियो रिलीज किया था यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने क्रिटिसाइज किया था उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। अब मैंने अभी अभी खबर देखी दोस्तों कि इस वीडियो के रिलीज होने के अगले ही दिन 19 नवंबर को इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था। ये ऑर्डर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि आज से कोई भी मेरे लिए किसी भी हॉस्पिटल में कोई वीवीआईपी वेलकम नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा अपने स्थान पर लोग साफ सफाई और रखरखाव और मरीजों की सेवा करने में ध्यान दें। हालांकि ऑर्डर यूपी के सीएम ने पास नहीं किया, जैसा मैंने कहा था कि सरकार में बैठे सभी पॉलिटिशियंस के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। तो यहां पर मैं ब्रजेश पाठक की तारीफ करना चाहूंगा और प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी रिएक्ट किया और एक पॉजिटिव। तो चलिए आज की अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं जी दोसांझ ने एंकर सुधीर चौधरी को एंग्री रिप्लाई दे दिया। तो दरअसल हाल ही में सुधीर चौधरी ने अपने शो में दिलजीत दोसांझ के बारे में गलत कमेंट किया था, तो इस पर दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान ये रिप्लाई दिया। देखिए पूरा वीडियो। एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी मेरा, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटीफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट हैं पटियाला पैक से बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे, तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए। भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन